नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश पांडे हूं। मैं और आज आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि मैग्नेटिक थेरेपी किसको कहते हैं। दोस्तों, मैग्नेटिक थेरेपी एक ऐसा नेचुरल तरीका है बीमारियों को दूर भगाने का, जिसमें कि पावरफुल मैग्नेट्स को यूज किया जाता है। दोस्तों, इसका इजाद डॉक्टर इसाक गोएक डोरन, जो कि मैक्सिकन डॉक्टर हैं, उन्होंने किया था। और इसी पे रिसर्च के लिए, इस पे खोजों के लिए, इस पे प्रयोगों के लिए उनको 1999 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि दी थी। दोस्तों, ये मैग्नेटिक थेरेपी शरीर में होने वाले असाध्य बीमारियों के इलाज में बहुत ही कारगर है, और इसका प्रमाण आप कहीं भी पा सकते हैं। जहाँ भी आप चाहें, गूगल पे जाके पता कर सकते हैं, या विकिपीडिया पे जाके पता कर सकते हैं, या यूनिवर्सिटीज के अंदर में, या डॉक्टर्स से जो इस थेरेपी को जानते हैं उनसे संपर्क करके आपको इसका पता कर सकते हैं कि इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है। ये बड़ा ही ऑथेंटिक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने आयुष मंत्रालय के थ्रू भी, उसके प्लेटफॉर्म पे भी इस चुंबकीय थेरेपी चिकित्सा का प्रचार प्रसार कर रही है, बहुत जोर जोर से कर रही है, दोस्तों, इस थेरेपी के माध्यम से जो फायदा होता है, वो फायदा होता है, तीन फायदे होते हैं। वैसे तो अगर फायदे गिनवाने से पहले मैं आपको गिनवाना चाहूँगा कि हमारे शरीर के अंदर में बीमारियाँ किन कारण से होती है। उसके शरीर में हमारी जो बीमारियाँ होती हैं, उसका मुख्य कारण पहला है पुअर ब्लड सर्कुलेशन। दोस्तों, हमारे शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, या सर में दर्द हो, या लीवर में प्रॉब्लम हो, या कहीं पर भी कोई समस्या हो, उसके 90% कारण ये होते हैं उसके ब्लड सर्कुलेशन। हमारे पुअर ब्लड सर्कुलेशन इज रूट कॉज ऑफ ऑल डिजीज। दूसरा कारण है ऑक्सीजन की कमी। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होना भी शरीर के अंदर में बीमारियों का कारण होता है। और तीसरा कारण है रेडिएशन, यानी कि हम रेडिएशन सतत, हम रेडिएशन के जोन में। आज के ज़माने में मोबाइल यूज़ करना, लैपटॉप यूज़ करना, वाईफाई यूज़ करना हर जगह लाजमी है, ज़रूरी है। तो उसकी वजह से हम घर हो या ऑफिस में हो, हमें कहीं ना कहीं हम इसे रेडिएशन के जोन में ही रहना पड़ता है हमें, जिसकी वजह से हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियाँ होती हैं। और इन बीमारियों की वजह से जो बीमारियां होती हैं, उसके लिए हम इलाज के लिए कई तरह के इन पद्धतियों की तरफ जाते हैं। और कई जगह तो हम ऐसे चले जाते हैं जहां पे हमारे शरीर पे जो दवाइयां खाते हैं उसका दुष्प्रभाव बीमारी से ज़्यादा हो जाता है। लेकिन मैग्नेटिक थेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसके माध्यम से बहुत ही सुचारू तरीके से, सुगम तरीके से और पेनलेस तरीके से उन बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। इसमें होता क्या है कि आपको एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर में कुछ टाइम तक रहना होता है, चाहे वो गद्दे के रूप में है तो आप सो सकते हैं, या चेयर टॉप के रूप में है तो उस पर आप बैठ सकते हैं। उस पर बैठने से और या गद्दों पर सोने से आपके शरीर के अंदर में तीन मिराकुलस चेंज होता है। पहला क्या होता है कि आपके ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने लगता है। दूसरा ये होता है कि आपके बॉडी के अंदर में ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाती है, जिससे कि सेल्स आपके रिजुविनेट हो जाते हैं। और तीसरा कि आपके शरीर के आसपास एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जिससे कि रेडिएशन के प्रभाव को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। दोस्तों, अगर न्यूट्रलाइज किया जा सके किसी भी कारण से, जो आपके शरीर के आसपास जो रेडिएशन हो रहा है उसके प्रभाव को खत्म किया जा सके, और ऑक्सीजन की सप्लाई को इम्प्रूव किया जा सके, और ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव किया जा सके, तो वो शरीर को हीलिंग में काम करता है। और यही तीन मुख्य काम मैग्नेटिक थेरेपी आपके शरीर पे करता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आज के ज़माने में जब इंसान दवाइयों से भी परेशान है, बीमारियों से भी परेशान है, तो ऐसे हालात में मैग्नेटिक थेरेपी एक रामबाण काम कर रहा है। और बिना दवाई के, बिना चीर फाड़ के, बिना केमिकल्स के यूज़ किए हुए हमारे शरीर में होने वाले छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। आपको जब भी मौका लगे, आप मैग्नेटिक थेरेपी के माध्यम से अपने शरीर में किसी भी तरीके का बीमारी को इलाज की पद्धति एक जो है उसको आज आजमा सकते हैं, और खुद आप महसूस कर सकते हैं कि यह थेरेपी काफ़ी कारगर है जो हमारे शरीर के बीमारियों को हटाने में। थैंक यू सो मच।